आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये हम जो ये खा रहे हैं ना, इसको चीज बोलते हैं। अच्छा मुझे सॉरी। हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से और सभी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सलामत होंगे। सो फ्रेंड्स, व्लॉग छोटा है लेकिन व्लॉग आज लाया हमने ईद पे। ईद पे हम कहाँ जाते हैं और व्लॉग ये है कि आज हम बुआ के घर जा रहे हैं, तो आज मैं आपको दिखाऊँगा बुआ का घर, दिखाऊँगा मैं, और जिस रास्ते से हम होके जाते हैं बुआ के घर वो रास्ता भी हम पूरा का पूरा दिखाएंगे। ये जहाँ पे हमारी बुआ रहती है उस एरिया का नाम है होंडी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने ठीक सुना है, उसका नाम है होंडी, और हम वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे एक ही बुरी चीज़ है जो कि वहाँ का जो रास्ता है वो सही नहीं, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस टाइम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो उससे रास्ते में बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई है। सो फ्रेंड्स, ऊपर से मेरे कज़न ब्रो ने देख सकते हैं चप्पल में आए हैं। सो पता नहीं था इन्हें कि बारिश हो जाएगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि हमें तो पहले ही पता था यहाँ पे रास्ता तो आवड़ खावड़ रास्ता है, बिल्कुल भी चलने की जगह नहीं है। देख सकते हैं अभी तक 2021 चल रहा है लेकिन अभी भी यहाँ पर रास्ता नहीं बना है, ना ही किसी ने यहाँ पे जहमत ही की है रास्ता बनाने की। हर जगह पे रास्ते बन गए, चाहे वो सीमेंट के हो गए, चाहे वो नरेगा के हो गए, किसी भी तरह से वहाँ पे रास्ते बन गए, लेकिन वाइड एक एरिया ऐसा है 2021 में जो कि आज भी इनकम्प्लीट है। और मेन होंडी की बात करें, जो मेन इनका गांव पड़ता है, वहाँ पे मॉडर्न विलेज का रास्ता बना हुआ है, वो भी सीमेंट में, बहुत ही पुख्ता और पक्का। लेकिन जब रास्ते की बात करें, जो मेन रास्ता जो कनेक्ट करते हैं वो बाज़ार के साथ, जो इनका इलाका कनेक्ट होता है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बुरी तरह से मुतासर है, बुरी तरह से ख़राब है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तारें लगी हुई हैं चारों साइड से, और उसके बीच में जो होंडी वाले लोग हैं वो गुज़र के जाते हैं अपने घर और घर से बाज़ार तक। सो फ्रेंड्स, रास्ता तो बहुत ही, रास्ते का बुरा हाल है। मैं तो यही करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में कोई सरकार, कोई महकमा ऐसा आए जो इनको ये रास्ता बना के दे दे, भले ही रोड ना ही आए इन्हें, लेकिन इन्हें रास्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के इस मॉडर्न वक्त में। सो फ्रेंड्स, ये इनकी मस्जिद है, जो कि पहले इनकी जो मस्जिद थी उसे इन्होंने शहीद करके फ़िलहाल यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि उस पर तामीरी काम चल रहा है उस मस्जिद में। वो मस्जिद का स्ट्रक्चर था थोड़ा कम था, तो अब उसे इन्होंने पूरा खोल के शहीद करके अब मस्जिद को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, 2-3 लाख तो नीचे ही इसमें लग चुके हैं, अभी भी इन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो अब अमदाद भी कर सकते हैं, आपको मेरा पता मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी में मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मस्जिद के कमेटी वालों से बात करवा सकता हूं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बुआ के घर पहुंच गए। सो फ्रेंड्स, यहां पे हम चाय वगैरह पी लेंगे, तो उसके बाद हम अपने घर के लिए वापस निकलेंगे। वैसे भी आज हमने बहुत ज़्यादा चाय पी ली है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे चाय पी ली बुआ के घर में, और हम अब अपने घर के लिए निकल रहे हैं। वैसे भी आज हम सभी यहाँ पे जो जितने भी रिलेटिव हमें आस पास है यहाँ पे, हम सभी के यहाँ गए, लेकिन सिवाय अपने मोहल्ले के। अब हम इसके बाद अपने मोहल्ले में थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा राउंड करेंगे, क्योंकि सुबह 7:30 ईद नमाज थी। ईद नमाज पढ़ने के बाद हम पूरे रिलेटिव के ही घूमे अब तक, और टाइम 12 के आसपास हो गया, तो इसलिए हम अब घर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, रास्ता बुरा हाल, आप देख सकते हैं बच्चे भी नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि आज बच्चियों की ही ईद है, और कुर्बान जिनने कुर्बानी की उनकी ही ईद है आज। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये एरिया है तरकानी का,
आप देख सकते हैं कितना हरा भरा सब्जार है, और इन दिनों तो बारिश कंटिन्यू होती रही तो इसलिए घास में कोई कमी नहीं है। और ये चिनार पब्लिक मॉडल स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत था। यहाँ पे हम बचपन में पढ़ा करते थे। तो फ्रेंड्स, ये छोटा बच्चा गुलेल के साथ खेलता हुआ अपनी मस्ती में मगन अपनी ईद को एंजॉय करते हुए। फ्रेंड्स, मेन बात करें, ये पुल आज से 20 साल पहले इस पुल का काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि फंडी वालों का ये पुल आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 20 साल हो गए कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, लेकिन पुल कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या पता किस सरकार में ये कंप्लीट हो। तो ये हमारे शौक में हैं कुर्बानी का गोश्त लेके अपने घर की तरफ जा रहे हैं, हमें टाटा बाय बाय करते हुए। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने मोहल्ले में आ चुके हैं, ये शौक भैया का घर है, और इसके बाद हम फरमान भैया के घर पे जाएंगे, और इस तरह से हमारा ये व्लॉग चलता रहेगा। ये हमारे अश्रु भैया हैं, हमारे बड़े कज़न। तो फ्रेंड्स, हमारा जो व्लॉग है देख सकते हैं आप, बड़ा ही खूबसूरत और छोटा सा प्यार सा, जो हम सब कज़न मिल के इसको बनाया। और देखते हैं शुएब तो आप क्या बोलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जितने लोग मुझे इस टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं फेसबुक पे, आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ यहाँ पर। आज बहुत बहुत मुबारकबाद आपके घर वालों को मेरी तरफ से, जितने भी आपके खास लोग हैं आपकी जिंदगी में, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का दिन आप सबकी और हम सब की ज़िंदगी का बड़ा दिन है, और हम सब ये दिन मतलब बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी और TRKS टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, सो एंजॉय। उम्मीद करते हैं व्लॉग आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक यू सो मच।